हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड अभी टाइम हो रहा है 5:46। हम रुके थे यहाँ पे, देख लीजिए, मॉर्निंग काम होम स्टे इन जोशीमठ। ठीक है, तो अभी हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और आज डेट कौन सा है, 1st of January 2023। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी एंड आगे दिखाएंगे कि जोशीमठ से जाते वक्त क्या कैसे डिफिकल्ट रास्ता है। अभी बहुत ही काम चल रहा है यहाँ पे, तो आगे मिलते हैं, देखते हैं कैसे क्या रहता है। सो फ्रेंड्स, ये जोशीमठ से जब निकलते हैं ना, तो रास्ता थोड़ा सा बहुत ज़्यादा 10-15 किलोमीटर जो है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे रोड कौन सा है और ज़मीन कौन सा है पता नहीं चलता। जाओ, चले जाओ भाई। जल्दी निकल रहे हैं कि सामने से जब ट्रक वगैरह आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड देन अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ का काम शुरू हो जाएगा रोड का, तो बड़े बड़े डंपर्स और क्रेन वगैरह सब रोड पे आ जाएंगे अभी, और ट्रक्स भागते रहेंगे, आपको 10 बार साइड देना होगा। तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं यहाँ से। एक बार नीचे आई थिंक 20-25 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर रास्ता ठीक है। फिर तो कहीं कहीं पे रास्ता काम हो रहा है, बट मेजोरिटी काम जो है यहाँ पे, एक राइट साइड पे एक डैम बन रहा है, ये एक बड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बन रहा है नीचे, तो उसके वजह से भी यहाँ पे जो आसपास जो काम हो रहा है जगह को थोड़ा सा सिक्योर कर रहे हैं, नहीं तो रेनी डेज में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे।
ये सब रास्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर, लेकिन अभी तो जा रहे हैं, अभी 10 की स्पीड पे जा रहे हैं अभी। हैंगिंग्स है, ठीक है, और ये सिंगल रास्ता है। देख रहे हैं? और ये राइट साइड पे देखिए कैसे पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है। ये एक्चुअली स्पीति वैली वाला जो रास्ता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही है ये, कुछ ये वाला पोर्शन स्पेशली। फ्रेंड्स ये देखिए सम ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन्स, यहाँ पे रोड कितनी सी है देखिए, और कैसे वो सामने से एक ट्रक भी आ रही है, तो हमें थोड़ा सा जगह देख के इनको देना पड़ेगा जगह। ये कुछ कुछ पैचेस हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी तो रास्ता ठीक है। ये देखिए लेफ्ट साइड से कैसे पहाड़ एकदम रोड पे आ रही है। लेट दैट व्हीकल क्रॉस, देन वी विल क्रॉस। वो देखिए कैसे आ रहा है। इसको जाने देते हैं हम। चलिए हमारी बारी है। ये देखिए साइड पे देखिए कैसे खाई है एकदम, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। बारिश के टाइम पे तो ये डेफिनेटली दिस इज नॉट ए प्लेस टू विजिट। रोड कंडीशंस और स्पेशली लैंडस्लाइड्स यहाँ पे होने का बहुत चांसेस है। ओके चलिए अब तो रोड ठीक है, आगे और भी ऐसे पैचेस दिखाएंगे, डिफिकल्ट पैचेस जो आ रही हैं, सो दैट आपको आइडिया हो अगर आप आ रहे हो, सो मेंटली आप प्रिपेयर हो सकते हो कि हाँ इस टाइप की रोड्स मिलेंगे हमें। ठीक है दोस्तों आगे मिलते हैं।
इसका स्टार्टिंग क्या हो सकता है बताइए। सब कुछ है इसमें, एडवेंचर तो भर भर के है। यहाँ से दिल्ली 433 किलोमीटर बता रहा है। देखिए क्या हिल्स है।
बनाते हैं और
रहेगा दिन में, देखो अभी मार्केट खुलने से पहले ही क्रॉस कर लिए तो बहुत अच्छा रहता, यहीं पे आधा घंटा लग जाता। A few moments later. ये देखिए ऋषिकेश में राफ्टिंग। ये है ऋषिकेश गंगा। एक्चुअली वो वाला रूट आज बंद करा हुआ है, तो ये जो पुल है ये पुल से इस तरफ हरिद्वार की तरफ भेज रहे हैं, ये बाईपास है, ये अंदर बहुत ट्रैफिक है इसलिए बाईपास से भेज रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये नज़ारा मिल गया ये देखने के लिए। वाह सही है, आगे दिखाएंगे। चलिए हरिद्वार में सोच रहे हैं डुबकी लगाएं, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। चलिए मुझे लगा सर के ऊपर बैठोगे अभी हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये बोल रहा था ना जो ऋषिकेश मेन सिटी के अंदर से जाने नहीं दे रहा आज पुलिस, और आज ये बिजनौर होके ये बाईपास होके भेज रहा है ये, तो ये बाईपास का रास्ता, और आज हैवी ट्रैफिक है बोथ साइड, मतलब अब देख रहे होगे एकदम लाइन में गाड़ियां चल रही हैं, और ये सिंगल वे है, पहाड़ी रास्ता है ये, तो ये शायद कितना किलोमीटर का ये 16 किलोमीटर 10 या 15 किलोमीटर का है ये पूरा लेके, वो सिटी स्टार्टिंग से लेके ये सिटी के बाहर लेके छोड़ेगा यहाँ पे, तो आज एकदम ट्रैफिक जाम है। देखिए सामने से एकदम लाइन लगा के जा रहे हैं, एकदम देख रहे कहाँ से लाइन है। ठीक है चलिए आगे दिखाते हैं आपको और भी मज़ेदार चीज़ें। चलिए बाय। देखो गंगा मैया ये जा रहा है कैनल, और हम ये कैनल के साइड से बैराज जा रहे हैं हम, ये एक्चुअली बैराज से हरिद्वार 25 किलोमीटर है, अभी हम बैराज से ये कैनल के रास्ते से ही जा रहे हैं, गंगा का जो पानी कैनाल में सप्लाई हो रहा है उसी की साइड से हम जाके मेन रोड पे मिलेंगे। ठीक है ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना एकदम, सारे गाड़ियां आजकल इधर से ही भेज रहे हैं। आई थिंक कल और आज बहुत भीड़ हो गया था ऋषिकेश में, तो ये बाईपास से ही भेज रहे हैं सारे गाड़ियाँ अब, और नो एंट्री है ऋषिकेश में, गाड़ी लेके नहीं आ सकते हो। ये देखिए भैया हम लोग जाएंगे वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करके, और ये नदी का पानी है, ये भर जाता होगा ना। हाँ ये अभी के लिए छोड़ रहे हैं ना।
few moments later.